बता देती हूँ कि पाकिस्तान की सरकार लेकिन अब जाग गई है, अब जाग गई है। हो सकता है सीमा का नार्को टेस्ट हो। आपको मैं एक और बात बोल देती हूँ कि उसने अपने फेसबुक अकाउंट से हमारे भारत की कई सेना के कई ऑफिसर्स को उसने फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। इसके अलावा नोएडा के और भी कई लड़कों से उसकी बातचीत चल रही थी। हिसाब से मैं बता दूंगी, क्या खुदा ने जिस तरह से अपने 25 पसंदीदा प्रॉफिट का नाम लिया है कुरान में 30 पारे में, क्या ऐसा कोई नाम एक औरत का लिया है? नहीं लिया है, नहीं लिया गया है। तो जब हमारा इस्लाम और कुरान हमें पूरे तरीके से पाक और शुद्ध नहीं समझता है, हमारे इस्लाम के और जितने भी मौलाना और मौलवी हैं वो अपने फतवा में जुमे की नमाज में कहते हैं कि औरतें कभी मुकम्मल पाक नहीं हो सकती, कभी मुकम्मल पाक नहीं हो सकती औरतें। पर ऑन द अदर हैंड हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में गॉडेस है, देवियों की पूजा होती है गलती से। और पाकिस्तान की मिलिट्री और सेना ने जब उनको अरेस्ट किया था, हमने कई बार, हमारे हिंदुस्तान ने की एजेंसीज ने कई बार पाकिस्तान की सेना से रिक्वेस्ट किया था काउंसलर एक्सेस के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, पर हमें उस चीज की अनुमति नहीं दी गई थी। तो आज पाकिस्तान की सरकार को ये कैसे फील हो रहा है कि हम अनुमति देते? पाकिस्तान की सरकार को, जाकरानी कबीले को, टेररिस्ट पाकिस्तान के गैंग को, कि अब मिशन सीमा हम सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने धमकाना और चमकाना, जो जो रीत और रिवाज है पाकिस्तान का, उन्होंने स्टार्ट किया कि वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो। पर कैसे भेज देते? जानना तो ये था कि आखिर इतनी वेल ट्रेंड ये महिला 4 बच्चों के साथ जो आई है, तो किनको किनको टोलियों को साथ लेकर आई है और क्या खुफिया राज दिल में छुपा कर आई है, ये तो हिंदुस्तान जान के रहेगा। नाजिया जी, अभी तक बहुत से हिंदुस्तानियों की जानिब से ये ख्यालात का इजहार सामने आ रहा है कि सीमा को डिपोर्ट करवा देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान की बेटी बनकर आई है और अब उसको हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए, हिंदुस्तान में ही रखेंगे, उसको इज्जत देंगे, पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। और सीमा ने खुद भी कहा, अगर मैं वापस जाऊंगी तो मुझे मार दिया जाएगा। क्या कहेंगी इस बारे में? देखिए, और उसने धर्म भी छोड़ दिया, अपना सनातन धर्म अपना लिया। देखिए, सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मैं विश, मेरी 5 पुश्त हिंदुस्तान से बिलोंग करती है। हम लोग खाटी प्रॉपर प्रॉपर हिंदुस्तानी है। हमें अपने रिलीजन से ज्यादा अपने नेशन से मोहब्बत है, अपनी संविधान से मोहब्बत है, और ये हमारे ब्लड में है, ये हमारी अपब्रिंगिंग में है, ये हमने घर से सीखा है। हम 1 सेकंड नहीं लगाते हैं ये बोलने से पहले कि राष्ट्र सबसे पहले है, रिलीजन बाद में है, रिलीजन घर के अंदर है, राष्ट्र की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं है। देखिए, जो गांव, मात्र एक नोएडा का एक छोटा सा गांव, आस पड़ोस वाले जो सीमा को पाकिस्तानी भाभी कह रहे थे, आज वही गांव सीमा के बारे में बात करना भी नहीं चाहता है। आज वही गांव के लोग सीमा के बारे में जब मीडिया पूछती है तो वो कहते हैं कि सुरक्षा एजेंसी के हवाले है, जो उनका निर्णय होगा वही निर्णय होगा। क्या वजह है? क्योंकि उनके उनके आंसर सही नहीं है। आप बचपन से पैदा हुई हैं पाकिस्तान में, आप एक मुसलमान घर की बेटी हैं, आपका आपके रिहाइश का तरीका, बोलचाल का तरीका, आपके उठने बैठने का तरीका, अगर एज ऑफ सडन किसी की मोहब्बत में फोन पर और पबजी गेम पर अगर चेंज हो जाए, तो वो तो शक की सुई बन जाती है ना। Exactly, ऐसा ही है। वो तो शक की सुई बन जाती है ना। जिस तरह से उसने हिंदू धर्म का अपमान किया है, जिस तरह से उसने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया है, जिस तरह से उसने हिंदू धर्म के लोगों को मिसगाइड किया है, वो कभी भी हम भूल नहीं पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। आप मुझे, महवेश, एक चीज बताइए, क्या पूरे 30 पारे, कुरान के पूरे 30 पारे में एक भी प्रॉफिट फीमेल है?
एक भी प्रॉफिट बताइए, फीमेल है क्या? खुदा के करीब पूरा 30-12 ये कहा है कि खुदा के करीब कोई फीमेल थी? सीरतें तो बहुत सारी आई, जैसे हजरत आयशा की आई, हजरत उमर सीरतों के की। बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीरतों के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो तो मैं वर्सेस के हिसाब से आपको बता दूंगी कहाँ कहाँ पर बीबी मरियम के बारे में बात हुई है और कहाँ कहाँ पर हजरत आयशा के बारे में बात हुई है, वो तो मैं वर्सेस के हिसाब से और वर्सेस नंबर के हिसाब से मैं बता दूंगी। क्या खुदा ने जिस तरह से अपने 25 पसंदीदा प्रॉफिट का नाम लिया है कुरान में 30 पारे में, क्या ऐसा कोई नाम एक औरत का लिया है? नहीं लिया है, नहीं लिया गया है। तो जब हमारा इस्लाम और कुरान हमें पूरे तरीके से पाक और शुद्ध नहीं समझता है, हमारे इस्लाम के और जितने भी मौलाना और मौलवी हैं वो अपने फतवा में जुमे की नमाज में कहते हैं कि औरतें कभी मुकम्मल पाक नहीं हो सकती, कभी मुकम्मल पाक नहीं हो सकती औरतें। पर ऑन दी अदर हैंड हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में गॉडेस है, देवियों की पूजा होती है। तो मैंने आपको ये डिफ्रेंसिएशन बताया है कि एक मुसलमान औरत कभी भी मुकम्मल हिंदू तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब उसको उसके अपने इस्लाम ने कभी मुकम्मल पाक नहीं बोला, कभी मुकम्मल प्योर नहीं बोला, जब औरत को उसके अपने खुद के इस्लाम ने अच्छा और ऊपर का दर्जा नहीं दिया, जब कुरान ने मुसलमान औरतों को ऊपर का दर्जा नहीं दिया, तो आप सनातनी बन कैसे सकती हैं और सनातनी चेंज कैसे हो सकती हैं? इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो सनातन धर्म, जो हिंदू धर्म में गॉडेस की पूजा होती है, देवियों की पूजा होती है, उसमें तुलसी पर अंजलि देना, तुलसी मैया पर, ये बहुत बड़ा घोर पाप किया है, सेंटिमेंटल हर्ट किया है सीमा हैदर ने, बहुत बड़ा हर्ट इस उसने पाप किया है। अब मैं दूसरी चीज पर आती हूँ, इस्लामिक चीज पर। आप तो इस्लामिक देश से है, आप मेरी बात को बिल्कुल सही से समझ पाइएगा। शरिया और कुरान तलाक और खुला की अनुमति देता है। हमारे जितने भी हिंदुस्तान में मौलाना मौलवी बैठे हैं, या पाकिस्तान में, या दूसरे मुस्लिम ममालिक में मौलाना मौलवी बैठे हैं, वो जब भी तलाक करवाते हैं तो एक पर्चा फाड़ के देते हैं, या खुला करवाते हैं तो एक पर्चा फाड़ के देते हैं। आपके पाकिस्तान की सीमा हैदर कहती तो है कि गुलाम से तलाक लेकर आई है, लेकिन तलाक का पेपर नहीं दिखाती है, तलाक का कागज नहीं दिखाती है। वो कहती है लफ्जी तलाक हुई है उसकी। लफ्जी तलाक तो मानी नहीं जाएगी ना, लफ्जी तलाक तो मानी नहीं जाएगी। मुंह से कही हुई तलाक तो आपके कानून में भी बंद है ना, आपके पाकिस्तान से लेकर के 14 मुस्लिम ममालिक में वर्चुअली तलाक तो बंद है, कानूनी तरीके से मैं बता दे रही हूं। कहाँ है वो तलाकनामा? मुझे एक बात समझ नहीं आई। सचिन इतना छोटा सा, 18 साल की उम्र का वो बच्चा लग रहा है, मतलब बहुत छोटी एज का लग रहा है, उसने 4 बच्चों के साथ सीमा को एक्सेप्ट कैसे कर लिया? देखिए, हमने सचिन के ऊपर ऐसा नहीं है कि हमने इंक्वायरी नहीं बिठाई है, आपको पता होना चाहिए कि सचिन और सीमा और उसके 4 बच्चे सब सब कानून के बैरिकेड के अंदर है। इवन सचिन और सीमा डिटेन किए गए हैं, अरेस्ट किए गए हैं, एटीएस की इंक्वायरी चल रही है, बहुत जबरदस्त इंक्वायरी चल रही है, आपको मैं ये बात बता दूं। और हम सब जो लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो लोग भारत की सुरक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जो लोग भारत की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम रहते हैं, हम सब ने ये सवाल उठाया है कि सचिन से इंटरोगेशन करना और उससे जानना ये बहुत जरूरी है कि आखिर इस जाल में वो फंसा कैसे, क्या वो भी ISI का कोई एजेंट है, क्या वो भी इस षड्यंत्र का कोई हिस्सा है, या उसको मोहरा बनाया गया है? बच्चा लड़का है, 19 साल का बच्चा लड़का है, दिखने सुनने में भी अच्छा नहीं है, कोई खास नहीं है, कमाई में भी कोई खास नहीं है, हो सकता है कि
कि किसी ने कुछ पैसे दे करके उसको बहला फुसला लिया हो, या हो सकता है सेक्सुअल डिजायर इंसान को कहीं ना कहीं कुछ गलत चीजें भी करवा देती है, क्योंकि उम्र बहुत उसकी ऐसे जगह पर है जहां पर बहकना बहुत आसान हो जाता है। और ये औरत पूरी मच्योर है, ये औरत बहुत समझदार है, ये औरत बहुत शैतानी दिमाग की है। इस औरत को पता है कि दुबई से जब वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेगी तो नेपाल के सेना को, बॉर्डर के सिक्योरिटी को किस तरह से मिसगाइड किया जा सकता है। सीमा हैदर ने नेपाल के बॉर्डर को क्रॉस करने से पहले माथे पे सिंदूर लगा लिया और मंगलसूत्र पहन लिया। सीमा गुलाम हैदर ने अपने आधार कार्ड को चेंज करवाया, फेक आधार कार्ड। सीमा गुलाम हैदर से उसने अपने आधार कार्ड को सीमा सचिन करवाया। बॉर्डर पर पहुंचने से पहले ही उसकी बच्ची बीमार हो जाती है, ताकि मिसगाइड कर सके वो बॉर्डर के लोगों को। बॉर्डर के सिक्योरिटी एजेंसीज को वो बताती है कि उसके उसके पति का नाम सचिन है। वो कहती है कि वो अपने ससुर और अपने पति से मिलने के लिए जा रही है। ये ट्रेनिंग किसने दिया? जिस हिंदी शब्दों का वो इस्तेमाल कर रही है, उस हिंदी शब्दों को मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा हिंदी बोल देती हूँगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, पर उस हिंदी शब्दों को वो बहुत इजीली बोलती है, फ्लो में बोलती है। वो कहती है कि वो 5 क्लास पढ़ी हुई है, उसका पति कहता है, उसका शौहर कहता है कि वो 1 क्लास भी नहीं पढ़ी हुई है, वो तो हाउसवाइफ थी। फिर बड़े 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 इंग्लिश के वर्ड्स वो कैसे यूज कर रही है, कहाँ से यूज कर रही है, चार चार मोबाइल का इस्तेमाल करना संदेह की बात है, सोचने वाली बात है। सिम कार्ड पांच पांच इस्तेमाल करना सोचने की बात है। जब सीमा गुलाम हैदर को पति से इतनी ही प्रॉब्लम थी, तो प्रेमी के पास आते आते वक्त अपनी पहली शादी के वीसीआर कैसेट को कैरी करने की क्या जरूरत थी? नेपाल में एक पाकिस्तान का सिम कार्ड तोड़ने की क्या जरूरत थी और एक मोबाइल को तोड़ने की क्या जरूरत थी? टूटे हुए मोबाइल को तोड़ने से पहले उसके वीडियोस और उसके चैट को डिलीट करने की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली ह्यूज क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क। देखिए महविश, ये कोई नई बात नहीं है। कुछ साल पहले लूडो गेमिंग ऐप के जरिया इकरा नाम की एक लड़की नेपाल बॉर्डर से इलीगली हिंदुस्तान आई थी, उसको भी मोहब्बत हो गई थी। अजीब है ये पाकिस्तान के की लड़कियां और औरतें और बहू बेटियां, मतलब हाफिज जी का फूका हुआ मतलब मिलाद का मिठाई है क्या? जिसको चाहती हैं बांटते फिरती हैं क्या? लूडो पे मोहब्बत हो जाती है, पबजी पे मोहब्बत हो जाती है, और क्या क्या चीज पे मोहब्बत होती है। उसके बाद इकरा को डिपोर्ट किया गया, हमने डिपोर्ट किया भाई। उसके बाद 17 फरवरी 2023 में चाइना जासूस आए थे नेपाल बॉर्डर से। उसके बाद फिर यासिर भटकर, आप लोग काफी जाना पहचाना नाम होगा आपके लिए, वो आया था 29 अगस्त 2013। उसका एक बहुत करीबी दोस्त हड्डी, वो आया था 2013 में, वही नेपाल बॉर्डर। लश्करे तैबा के 5 टेररिस्ट डिटेन्ड हुए थे यही नेपाल बॉर्डर से, जिसको हमारे हिंदुस्तान की एनआईए टीम ने अरेस्ट किया था। क्या बात है! और ये पूरी होमवर्क करके आते हैं। सीमा हैदर के साड़ी पहनने का अंदाज, सीमा हैदर के तुलसी माँ पे जल देने का अंदाज, सीमा हैदर के सिंदूर लगाने का अंदाज, हिंदी के शब्दों को इस्तेमाल करने का अंदाज, बड़े बड़े नेशनल टेलीविजन को फेस करने का अंदाज, सारे सवालों का जवाब देने का अंदाज, ये वेल ट्रेंड ही कर सकता है, वेल ट्रेंड आदमी कर सकता है। मैं फिर जब मैं हम आप जैसे लोग जो हर वक्त कैमरा के सामने रहते हैं, हर वक्त अपने प्रोफेशन में बिजी होते हैं, हम भी जब मीडिया पे बैठते हैं, हम भी जब कन्फ्रंटेशन में या कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, तो हमारी भी जबान लड़खड़ाती है। लेकिन सीमा गुलाम हैदर की जबान लड़खड़ाती नहीं है,
एक औरत चार बच्चों की माँ जो हमेशा से हाउसवाइफ रही है, जिसने एक कलम पढ़ाई नहीं की है, वो सुबह के 8 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक हिंदुस्तान के तमाम मीडिया को इंटरव्यू देती है और हंसती खिलखिलाती रहती है, अटखेलियां करते रहती है अपने प्रेमी के साथ, उसके कान टांगते रहती है, उसके चीक्स टांगते रहती है, उसके गले को टांगते रहती है, उसका हाथ टांगते रहती है। भाई देखिए, पाकिस्तान की महिलाओं का संस्कार तो हमें दिख गया। थकती नहीं है वो, हम थक जाते हैं। हम जैसे लोग जिनका काम ही है, जो हम लोग वर्कहोलिक वोमेन कहलाए जाते हैं, हमने बजाफते क्वालिफिकेशन ली है, डिग्रीज ली है, काम करने के लिए ली है, पर हम थकते हैं, पर सीमा हैदर थकती नहीं है। और ना ही ये लाली बॉर्डर उसका कम होता है। एक औरत जब बहुत सारे बॉर्डर को क्रॉस करके चार बच्चे के साथ इतनी अफरा तफरी के माहौल में आती है, तो चेहरे पर एक डर दिखना चाहिए था, चेहरे पर एक घबराहट दिखनी चाहिए थी, हताश बताश वाला एक ऑरा दिखना चाहिए था। पर जो मेकअप और पॉलिश देखा, उससे तो कहीं समझ में नहीं आ रहा था कि वो घबराई हुई है। और सचिन तो कोई ऋतिक रोशन था नहीं। वो इतनी जबरदस्त मोहब्बत हो गई कि इतना बड़ा क्राइम उसने कर लिया कि उसने तीन तीन चार चार बॉर्डर्स को छलांग मार लगा दिया, तारों के नीचे से और सुरंगों के पीछे से। लेकिन हम भाई सीमा, जो सीमा हैदर, वो अपने सचिन से मिलने जाएगी। फिनेंशियली भी सचिन कोई स्ट्रांग नहीं है, 13,000 रुपए महीना कमाता है, उससे ज्यादा ऐशो इशरत में तो गुलाम हैदर उसको रख रहा था। गुलाम हैदर की पूरी संपत्ति, पूरी प्रॉपर्टी को बेच बाच करके ये डकैत रानी अपने प्रेमी से मिलने के लिए हिंदुस्तान चली आई चार बच्चों के साथ। अच्छा, और भी इंटरेस्टिंग चीज है, गुलाम हैदर ने 2 बार एक वीडियो बनाया, जिस वीडियो में वो रो रहा है और ऐसे ऐसे करके देख रहा है कि वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात मैं महवेश आपको बताऊंगी कि गुलाम हैदर का बच्चा डीएनए के हिसाब से गुलाम हैदर का, पाकिस्तान का बच्चा, पाकिस्तान का जन्मा हुआ बच्चा, बाप पाकिस्तानी, माँ पाकिस्तानी, फिर मदद की गुहार योगी जी से और मोदी जी से क्यों की जा रही है? क्यों? आज मेरे ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने स्टेट की सीएम, अपने लोगों से मैं बात करूंगी, अपने अपने कानून के दरवाजे को मैं खटखटाऊंगी। गुलाम हैदर ने शहबाज शरीफ से या वहां के फॉरेनर मिनिस्टर से या वहां की एजेंसी से या वहां के पुलिस स्टेशंस में कोई कंप्लेन क्यों नहीं किया? कोई गुहार क्यों नहीं लगाया कि मेरे बच्चों को आप लोग ले आइए? एक भी गुहार नहीं आया। क्योंकि शायद उसको पता था कि बोलने का फायदा नहीं है, कुछ होगा ही नहीं। बच्चा छोड़ देगा, बोलने का फायदा नहीं है। शहबाज शरीफ ने तो मुंह पे ताला बंद रखा ही हुआ था। देखिए, मैं आपको बहुत छोटे में ब्रीफ करके मैं आपको महवेश एक चीज बता देती हूँ कि पाकिस्तान की सरकार, लेकिन अब जाग गई है, अब जाग गई है। हो सकता है सीमा का नार्को टेस्ट हो। आपको मैं एक और बात बोल देती हूँ कि उसने अपने फेसबुक अकाउंट से हमारे भारत की कई सेना के कई ऑफिसर्स को उसने फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। इसके अलावा नोएडा के और भी कई लड़कों से उसकी बातचीत चल रही थी। जब वो अरेस्ट हो चुकी है, जब वो अरेस्ट हो गई है, तब आपके पाकिस्तान के जो काउंसलर है, आपके पाकिस्तान के जो दिल्ली में जो कॉन्सुलेट होते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा दबाव देने की कोशिश की है कि हमें सीमा गुलाम हैदर के साथ काउंसलर एक्सेस दिया जाए, मतलब बातचीत का मौका दिया जाए। क्यों भैया, आप 3 महीने से कहाँ गायब थे? आज जब वो अरेस्ट हो चुकी है, उसका नार्को टेस्ट हो सकता है, उसके पर 120 120B की धारा लग चुकी है, उसका पहला जो बेल था फॉरेनर एक्ट का, वो बेल कैंसिल हो सकता है,
तब पाकिस्तान की सरकार को लग रहा है कि अब तो सारे खुफिया राज निकल जाएंगे, अब तो मेरा पोल पट्टा पूरा का पूरा खुल जाएगा। इतने दिन से कोई परवाह नहीं थी, इतने दिन से कोई चिंता नहीं थी, क्या सोचा था ये हिंदुस्तानी जो है वो उसको पाकिस्तानी भाभी बनाकर रखेगा? ये पॉसिबल हो सकता है? देश की सुरक्षा की जब बात आती है ना, तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी इतने ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, इतने ज्यादा सतर्क हो जाते हैं कि वो दिन और रात एक करके जग करके भी लेकिन ऐसे ऐसे स्पाई को ढूंढ कर निकाल देते हैं। अब आप सोचिए कि हमारे हिंदुस्तान के सरबजीत जो जानबूझ करके नहीं गए थे पाकिस्तान, जिन्होंने गलती से बॉर्डर क्रॉस कर दिया था, गलती से, क्योंकि तब इतना बैरिकेड और इतनी दीवार और इतना तार, ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, उन्होंने क्रॉस किया था गलती से। और पाकिस्तान की मिलिट्री और सेना ने जब उनको अरेस्ट किया था, हमने कई बार, हमारे हिंदुस्तान ने की एजेंसीज ने कई बार पाकिस्तान की सेना से रिक्वेस्ट किया था काउंसलर एक्सेस के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, पर हमें उस चीज की अनुमति नहीं दी गई थी। तो आज पाकिस्तान की सरकार को ये कैसे फील हो रहा है कि हम अनुमति दे देंगे सीमा गुलाम हैदर से बात करने के लिए? ये सोच भी कैसे लेता है पाकिस्तान? कोई रात में कोई सपना वपना आता है क्या? टैलेंट है ये, टैलेंट, बड़ा बड़ा अजीब वो गरीब टैलेंट है। पूरे गधेड़ों की फौज है, गधे जैसी ही सोच रखती है। क्या लगता है पाकिस्तान की सरकार को कि हम 26/11 भूल गए हैं? क्या लगता है पाकिस्तान की सरकार को कि ये दुनिया 9/11 भूल गई है? क्या लगता है पाकिस्तान की सरकार को कि ओसामा बिन लादेन का चैप्टर ये पूरी दुनिया भूल चुकी है? लगता क्या है पाकिस्तान की सरकार को कि हम अजमल खसब भूल गए हैं? या जो मैंने अभी सीरीज से आपको इकरा से लेकर के लश्करे तैबा की जो मैंने डेट वाइज आपको डेटा दिया है, तो ये हमारे पास है ना, हमारे माथे में है ना, हमारे दिमाग में है ना? क्या लग रहा था कि वो तुलसी माँ पर जल दे देगी सीमा गुलाम हैदर तो हम उसको हिंदू मान लेंगे? वो साड़ी पहन करके सिंदूर लगा लेगी तो हम उसको हिंदू मान लेंगे? ना, हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन वाली बात है। पांच पुश्त से मैं रह रही हूं हिंदुस्तान में, मेरा पांच पुश्त हिंदुस्तान से मैं रह रहा है, आज तक तो किसी ने नहीं बोला कि नाजिया आपको हिंदू बनना पड़ेगा तब हम आपको हिंदुस्तान का वफादार समझेंगे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ये चीज है ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान में ये चीज नहीं है। मुसलमान लड़के हिंदुस्तान में हिंदू बच्चियों से शादी करके कन्वर्शन करवाते हैं, मुसलमान लड़के करवाते हैं, पर हमारे हिंदू और सनातनी भाई मुसलमान लड़कियों पर हाथ नहीं डालते। कौन उठ करके बोल दिया उसको सनातन बनने के लिए? एक चीज मुझे और खटकी थी, उसने नेशनल न्यूज पर बैठ करके कहा था कि अब तो आप मुझे सीमा ठाकुर समझें या आप मुझे ठाकुरायन समझें,